अलैकुम बेटा, आवाज आ रही है? ओके, वालेकुम अस्सलाम। यस सर। सो आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, व्हिच इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एनर्जी, वर्क एंड पावर। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो ये है कि हम समझें कि एनर्जी किन फॉर्म्स में स्टोर होती है, एंड देन ये समझें कि एनर्जी किन फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सो वी नीड टू टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर्स एंड देन वी नीड टू टॉक अबाउट एनर्जी ट्रांसफर्स। ये आज हम करेंगे। अब इस बात को समझें कि आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वेदर इट्स रिलायंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी टू बी डन। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उनको एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, उसके अंदर जो आपकी स्क्रीन से आपकी आंखों तक लाइट आ रही है, दैट इज ऑल्सो एनर्जी ट्रांसफर। आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर काम कर रहा है, उसको भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ह्यूमंस ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर काम के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी के डिफरेंट स्टोर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट स्टोर्स। दैट मीन्स के किन किन डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी स्टोर हो सकती है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी है, एनर्जी स्टोर्स। अब इसके अंदर जो सबसे कॉमन टाइप्स हैं वो हैं केमिकल। सबसे ज्यादा एनर्जी जो स्टोर होती है वो इस फॉर्म में बेस्ट, सबसे ज्यादा कॉमनली अगर आपको एनर्जी स्टोर हुई भी नजर आएगी तो इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई भी नजर आएगी। एंड देन यू हैव एनर्जी स्टोर्स लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे और कौन सी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं इसको। स्ट्रेन के जगह आप पोटेंशियल का वर्ड भी यूज कर सकते हो। अभी इन सारी एनर्जीज को हम डिस्कस कर देंगे, ये कहाँ कहाँ स्टोर हुई नजर आती है। उसके बाद होती है हमारे पास एक और कॉमन टाइप, काइनेटिक एनर्जी, इसको भी हम डील में करेंगे। इसके बाद आ जाती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी एक बहुत कॉमन टाइप है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और इसके थ्रू ट्रांसफर भी हो सकती है। एंड लास्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हमने आगे पूरा थर्मल के सेक्शन इस पे बेस करना है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। सो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इन सारे एनर्जी स्टोर्स के बारे में। ठीक है, जितने भी हमने टाइप्स लिखी हैं इनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। केमिकल एनर्जी आपके ख्याल में कौन कौन सी चीजों में स्टोर होती है? एनी एग्जाम्पल्स दैट कम टू योर माइंड? कार की जो बैटरी होती है, कार की बैटरी। एंड कार की बैटरी की बात करें तो इसका मतलब किसी भी बैटरी में केमिकल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। एक्सेलेंट। इसके अलावा जो गाड़ियां बैटरी पे नहीं चलती हैं और जो पेट्रोल पे चलती हैं, वो उनके भी जो फ्यूल में एनर्जी स्टोर्ड है, क्या हम कह सकते हैं कि फ्यूल में जो एनर्जी है वो इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी? यस। और हमें कैसे एनर्जी मिलती है? फूड। फूड, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी? यस। गुड, तो इसका मतलब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं, राइट?
All right. Chemical energy stored in fuels, जिसकी क्या क्या कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, कोल, वुड, चलो वुड तो बाद में आएगी, उसके अलावा सबसे कॉमन एग्जाम्पल ऑयल हो गया, गैस आ गया, ये तो इन्हें तो फॉसिल फ्यूल्स हो गया, और उसके बाद इसमें वुड भी आ सकती है, राइट? इसके बाद इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन फूड, राइट? और क्या हमने बात की थी, और क्या एग्जांपल दी थी हमने, बैटरीज की थी, बैटरीज की बात की थी, बैटरीज की बात की थी। सो कोल, ऑयल, गैस और वुड में से एनर्जी स्टोर जो हुई हुई है केमिकल, उसको निकालने का तरीका क्या है? कोल के साथ हम क्या करते हैं, अगर हम उसमें से एनर्जी निकालनी हो केमिकल एनर्जी, तो हम उसको यूज कैसे, बर्न करते हैं, वेरी गुड। They need to burn, right? For energy to be transferred. अब वो heat की form में transferred हो जाती है. What do you need to do with food to get energy from it? हमारी body क्या करती है food के साथ? Breakdown. ब्रेक डाउन करती है, और उसके लिए हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होता है, वैसे उसका क्या नाम है, कॉमन नाम क्या है, जिससे हम डाइजेशन डाइजेशन करते हैं और उससे हम ग्लूकोज बनाते हैं, आई गेस, आई डोंट नो मच बायोलॉजी, बट आई गेस यही काम होता है, हम ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, राइट? यस, नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी to be transferred. अच्छा, batteries के अंदर अगर आपको energy चाहिए हो तो उसको हम कैसे use करते हैं? Battery में से energy कैसे transfer होती है? अगर battery से मैंने एक lamp चलाना है या गाड़ी चलानी है, तो battery में से क्या चीज निकलेगी जिससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार अब energy transfer हो गई? Any idea? एक circuit yes. क्या मैं कह सकता हूँ कि करंट फ्लो करना चाहिए? यस, सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट नीड्स टू फ्लो फॉर दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी टू बी यूज्ड, राइट? तो हमने केमिकल एनर्जीज की स्टोर होने की सबसे कॉमन एग्जांपल केमिकल एनर्जी है। अगर आप अपने घर में देखो कि एनर्जी स्टोर कहाँ कहाँ हुई हुई है, तो आपके फोन की बैटरी में एनर्जी स्टोर हुई हुई है, आपके लैपटॉप की बैटरी में एनर्जी स्टोर हुई हुई है, ठीक है, आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में एनर्जी स्टोर हुई हुई है, राइट? आपके गैस जो आ रही है उसमें, गैस में भी वही केमिकल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल की फॉर्म। सो जो एक्चुअल में एनर्जी जो स्टोर होती है ना, स्टोर जैसे कहते हैं जमा कर ली जाए कोई चीज, तो वो सबसे ज्यादा केमिकल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। लेकिन दैट्स नॉट द ओनली एग्जांपल, राइट? अब हम आपके घर के अंदर से ही और एग्जांपल भी निकाल सकते हैं जिसमें एक और फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पहले तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। दिस इज द एनर्जी an object has due to its position. This is because of the virtue of the position of an object in a gravitational field. Earth ke around kaun si field hai? Iske bare mein gravitational density mein padh chuke hain, gravitational field. तो अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी भी टाइप की ग्रेविटेशनल फील्ड में, चाहे मून की ग्रेविटेशनल फील्ड हो या किसी स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड में, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी कि वो अर्थ के करीब है या अर्थ से दूर है, दैट डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज, राइट? तो अब आपके घर में अगर लेट सपोज ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, तो किसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे है या जो ग्राउंड फ्लोर पे?
फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर पे राइट अच्छा आप अपने घर में कोई और चीज की एग्जांपल दे सकती हो जिस जहां पे आप कह सकते हो कि यार हमने इस फॉर्म में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई और हम इसको यूज कर सकते हैं कोई एग्जांपल घर में याद आ रही है घर के अंदर ही कोई एग्जांपल घर से बाहर भी जा सकती हो बट थिंक ऑफ एनी एग्जांपल फैन हो सकता लेकिन हम उसको फैन जब चलता है तो अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तो नहीं चलता ना मतलब नीचे तो नहीं गिराते ना कोई ऐसी चीज सोचो जो आपने घर में स्टोर की हुई है ऊपर और फिर आप उसको यूज करते हो व्हेनेवर यू नीड इट थिंक अबाउट हाउ यू स्टोर वाटर इन योर होम घर पे पानी कहाँ स्टोर होता है वाटर टैंक में वाटर टैंक कहाँ पे है घर पे ओह यस कहाँ पे छत पे है ना यस yes. जब हम टैप ओपन करते हैं अगर वाटर टैंक जमीन के नीचे हो तो क्या पानी आएगा उसमें से जादू से तो पानी आपका पानी का टैंक जो है वो ऊपर है और यहां से पाइप निकाला हुआ है आपने और ये आपके रूम में टैप लगा हुआ है राइट सो पानी स्टेप में से तभी आएगा ना जब स्टेप को आप ओपन करोगे और यहाँ पे पानी होगा अच्छा अब नोटिस करो कभी कभार पानी का प्रेशर ज्यादा आता है कभी पानी का प्रेशर कम आता है राइट क्या वजह है उसकी जब टैंकी ऑलमोस्ट एंड होने वाली होती है थिंक अबाउट दिस सो ये आपका टैप है राइट जब टैंकी बिल्कुल पानी खत्म होने वाला होता है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है yes. अगर टैंकी फुल हो तो पानी का प्रेशर भी बहुत अच्छा होता है दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी राइट सो इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास आ रही है वाटर टैंक एग्जैक्टली बट ऑब्वियसली इसकी बड़ी लेवल पे एग्जांपल क्या याद आ रही है एनी अदर एग्जांपल दैट यू माइट थिंक बड़े लेवल पे डैम्स एग्जैक्टली सो हम कह सकते हैं पहले तो हम लिखें वी स्टोर वाटर बट ऑब्वियसली वाटर इज नॉट द ओनली एग्जांपल और बहुत सारी जगहों पे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं सो वी विल सी थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स बट एनीवे वी स्टोर वाटर इन ओवरहेड टैंक्स इन आवर होम्स When tap is opened, water uses its gravitational potential energy to flow through pipes. Dams. Store water and reservoirs when spillway is opened, water can flow at high speed, very high speed actually. To do what? Sometimes सिर्फ water का flow control करते हैं dam से लेकिन बहुत दफा कुछ dams के अंदर power plant भी लगा हुआ होता है तो हम उससे क्या बनाते हैं We generate electricity, right? Yes. अब हम hydroelectric power plants के बारे में आगे भी detail में पढ़ेंगे but दो types की energy होगी Now let's talk about elastic or strain energy. Elastic strain energy की example क्या होगी Can you Think of the word elastic and understand what it means. Elastic का मतलब क्या है? Any idea? Stretch करना. Exactly. So कोई भी चीज अगर stretch या compress हुई भी है और in short कोई भी चीज जो है उसकी shape change हुई भी है तो उसके पास ये वाली energy है. The energy an object has due to its change in shape. Iske andar stretch bhi ho sakta hai
कंप्रेस भी हो सकता है ऑब्वियसली, बहुत सारी चीज हो सकती है, ऑब्जेक्ट ट्विस्ट भी हो सकता है, राइट, बेंड भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। अच्छा, और अब हम और एग्जाम्पल, चलो इसके एग्जाम्पल्स तो बाद में आएंगी, और काइनेटिक एनर्जी की बात अब कर लेते हैं। सो तीन टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज व्हेन इन मोशन, एग्जैक्टली, ड्यू टू इट्स मोशन। Due to its motion, the faster the object is moving, the more energy it will have. In fact, kinetic energy do cheezon pe depend karti hai. Kinetic energy depends on two factors: speed and mass of the object. ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का क्या मतलब है? दिस इज एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब आपको चार्ज का मतलब पता होना चाहिए। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। कौन से दो टाइप के चार्ज होते हैं? व्हेनेवर समथिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट। इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, जैसे इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, एक चीज होती है कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे पंखों में लगा हुआ होता है, अक्सर पंखा स्लो हो जाता है तो इलेक्ट्रिशियन आके बोलता है कैपेसिटर चेंज करवा लें, लेकिन कैपेसिटर से वहाँ नहीं लगा होता। आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड अगर आप खोल के देखो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को खोल के देखो तो उसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। सो कैपेसिटर्स आर अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट्स। एनीवेज, सो एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब इस टाइप की एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो सकती है? अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा। और चार्ज फ्लो करने का मतलब होता है कि करंट फ्लो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय an electric current. आगे चलते हैं, और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? नाउ दिस इज एक्चुअली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम केमिकल एनर्जी, ओनली स्लाइटली डिफरेंट। केमिकल एनर्जी चीजों में क्यों स्टोर होती है और वो रिलीज कैसे होती है? अगर आप केमिकल एनर्जी पे वापस जाओ तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो, बर्निंग इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यू माइट रिमेम्बर इट एज कंबस्शन, राइट। आपने भी बताया था मुझे कि हम जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसे हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बट इन एनी वे यू यूज अ केमिकल एनर्जी इज बाय एक्चुअली डूइंग अ केमिकल रिएक्शन। जब बैटरी में से करंट फ्लो करते हैं तो पहले बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है। आपकी बैटरी के अंदर क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। अभी केमिस्ट्री में आपने प्रॉब्लम चैप्टर पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोलिसिस का, राइट। तो जितनी भी केमिकल एनर्जी, उसको रिलीज करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? केमिकल रिएक्शंस चाहिए। केमिकल रिएक्शंस, इफ यू रियलाइज, ऑल इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स इन वन वे और अनदर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोई भी बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन हमारा एटम जो है, उसके सेंटर में क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, लेकिन किस चीज को ऑर्बिट कर रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब वो जो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है ना किसी भी एटम को, उसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
उस उन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो बॉन्ड की वजह से जो एनर्जी होती है ना किसी भी न्यूक्लियस के पास, उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ केमिकल रिएक्शंस आर वेरी कॉमन एवरी डे लाइफ के अंदर, हम केमिकल रिएक्शंस बहुत कॉमन देखते हैं, राइट? लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं दे आर नॉट सो कॉमन बिकॉज दे डोंट टेक प्लेस सो इजीली। उनको करवाने के लिए भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत इन मोस्ट केसेस एन एक्सट्रीम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड और यू नीड वेरी स्पेशल रेयर मटीरियल्स विच आर रेडियो एक्टिव, जिसका एक पूरा अलग से चैप्टर है जो हम एंटर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का। सो एनीवेज न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे हम समराइज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड in the nucleus of an atom, okay, it can be transferred, jaise chemical reactions hote hain to chemical energy transferred hoti hai, isi tarah nuclear energy ko transfer karne ke liye nuclear reactions chahiye hote hain, which are very special reactions aur unke andar extreme amounts of energy release hoti hai, but they take place under very special conditions। और न्यूक्लियर रिएक्शंस के दो टाइप्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली याद रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिजन और फ्यूजन। दिस टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक fission and fusion। A fission reaction जो होता है वो आपका power plants में होता है, nuclear power plants। Fusion reaction होता है आपका stars के core में, sun एक star है या कोई भी और star है, they are huge and they release humongous amounts of energy every second। उनमें से जो energy release हो रही है that's because of the fusion reactions taking place in stars। Now what is fission and fusion वो हम further बाद में detail में पढ़ेंगे, इस chapter में नहीं किसी और chapter में जाएंगे। So, अभी तक हमने जितनी टाइप्स ऑफ एनर्जी देखी है उसमें आखिरी कौन सी रह गई, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी रह गई, राइट? आज एनर्जी इंटरनल एनर्जी को देखें, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी, मोर कॉमनली नोन एज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से बच्चों को फौरन याद आ जाता है कि कौन सी टाइप की एनर्जी, एनी आइडिया? थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनी आइडिया फातिमा? हीट एनर्जी, मतलब एग्जैक्टली हीट। किसी भी कोई भी जब ऑब्जेक्ट जितना गर्म होता है तो हम कहते हैं उसको बस उतनी ज्यादा एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। इन अदर वर्ड्स इट इज द फाइनल फेट। ज्यादातर एनर्जीज एंड अप इन दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ भी हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस होगा, एंड रिजल्ट जो है ना किसी भी एनर्जी का वो यही होता है कि वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, यूजुअली इंटरनल एनर्जी ऑफ द मटेरियल्स दैट आर सराउंडिंग यू। ऑलराइट, इट इज द फाइनल फेट ऑफ अदर एनर्जी स्टोर्स। बहुत सारे केसेस में हम बोल रहे होते हैं एनर्जी वेस्ट हो गई, वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है वो गायब नहीं हो जाती बल्कि वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में इधर उधर डिसिपेट हो जाती है, राइट? एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस काइंड ऑफ राइज। जैसे पंखा चल रहा है, अब पंखा जो है उसके अंदर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पंखे की मूवमेंट में ट्रांसफर नहीं हो रही, द मोटर ऑफ द फैन ऑल्सो हीट्स अप, राइट? तो वो जो एनर्जी हीटअप हो रही है, वो जो फैन हीटअप हो रहा है वो उसकी क्या इंटरनल एनर्जी राइज कर रही है। बट इवन जो फैन का मोशन है उससे इवेंचुअली क्या हो रहा है, एयर का मोशन क्रिएट हो रहा है जिससे हम तक हवा पहुंचती है, बट इसके बाद वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब हवा चल गई उसके बाद वो क्या होता है, इवेंचुअली वो एयर के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी वहीं ट्रांसफर हो जाती है, राइट? सो इट इज द फाइनल फेट ऑफ अदर एनर्जी स्टोर्स। दिस इज द एनर्जी ऑफ द, ये इसको ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसके इंडिविजुअल एटम्स की जो मूवमेंट है और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब ये वाली टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? हीट ट्रांसफर के तीन मेथड्स हैं जो कि हम उसका पूरा अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, दिस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट भी तो ट्रांसफर होती है, किस तरह होती है? हीट इज ट्रांसफर, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर, हाउ? बाय थ्री मेथड्स, बाय कंडक्शन। ये क्या होता है इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, हीट कंडक्शन क्या होती है, बाय कन्वेक्शन ये भी हम पढ़ेंगे, एंड बाय इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को छोड़ो खाली रेडिएशन लिख दे, बाय रेडिएशन। ऑलराइट, तो अभी हमने आज अभी तक क्या पढ़ लिया, एनर्जी स्टोर्स के बारे में पढ़ लिया, क्विकली सारे रिव्यू कर लो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, जस्ट गिव अ जस्ट स्टे फॉर अ मिनट ऑन ईच पेज एंड देन उसके बाद हम एनर्जी ट्रांसफर्स की तरफ जाएंगे। एनर्जी स्टोर्स पढ़ लिए, इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर्स की एग्जाम्पल्स देखेंगे। सर नेक्स्ट पेज करते हैं। डन। All right, चले आगे। Yes, sir. Okay. अब हमने क्या पढ़ना था, एनर्जी ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ना। So let's talk about energy transfers. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कैसे होती है? आपने कहा भाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हो रही है काइनेटिक में, या हीट काइनेटिक एनर्जी से हीट की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल से हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होने के वैसे तो बहुत सारे अनगिनत प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम उनको चार कैटेगरीज में समराइज कर सकते हैं। राइट, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ प्रोसेसेस बट दे कैन ऑल बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर कैटेगरीज। ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मिलियंस ऑफ डिफरेंट processes, but they can be categorized into four categories. अब वो क्या है? पहला तरीका है mechanical working. मैकेनिकल वर्किंग, इसका मतलब होता है बाय एक्शन ऑफ अ फोर्स, या मैं बल्कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, व्हेन अ फोर्स डज वर्क। अब वर्क का मतलब क्या है इसको भी हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर के नाम में वर्क का एक टर्म भी था, वर्क को भी हम फर्दर आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। बट पहला तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है,
इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली इसी को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सबसे ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे व्हेन अ फोर डज वर्क, लेकिन बाकी चीजें भी आपके सिलेबस में थ्रू आउट आएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्किंग, मैकेनिकल वर्किंग के बाद दूसरी चीज है इलेक्ट्रिकल वर्किंग। इलेक्ट्रिकल वर्किंग के सारे जो चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का सेक्शन, बल्कि दोनों, राइट। व्हेन अ करंट, क्या लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद आ जाती है बात, तीसरा तरीका, और वो है वेव्स। वेव्स का एक पूरा अलग से सेक्शन है आपके सिलेबस का, उसको भी हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि वेव्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही होती है, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी वेव्स हैं आपके पास, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसके अंदर रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड वेव्स आ जाती हैं, लाइट आ जाती है, लाइट इज ऑल्सो अ वेव। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ो, उसके पास साउंड वेव आ जाती है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप के माइक तक जो आवाज जा रही है ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है, तो साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं। या वाटर के ऊपर अगर मैं पानी फेंकता हूँ, वाटर के सरफेस पर मैं पानी फेंकता हूँ, तो वाटर में जो डिस्टर्बेंस है वो रिपल्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, दैट्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ वेव। सो वेव्स की वर्किंग के ऊपर पूरे चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सो वेव्स के अंदर आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है इसमें, डिफरेंट टाइप्स की वेव्स। अच्छा, एंड देन लास्टली अनदर वेरी कॉमन प्रोसेस, हीटिंग। हीटिंग का भी, हीट ट्रांसफर्स का भी एक पूरा चैप्टर है, और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तीन चीजों के थ्रू होती है हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू। इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली सबसे ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे, बट बाकी तीन के भी अलग अलग चैप्टर्स में कुछ ना कुछ पार्ट्स आते रहेंगे, उसमें भी हम एनर्जी ट्रांसफर्स जो जो आएंगे उनको डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। सो एनर्जी इज अ वेरी सेंट्रल आइडिया ऑफ योर एंटायर सिलेबस, किसी भी क्वेश्चन के अंदर एनर्जी का सवाल जो है वो आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में एनर्जी के कैलकुलेशन का सवाल बीच में आ जाता है, इसी तरह थर्मल और हीट के जो चैप्टर्स हैं टेम्परेचर रिलेटेड, उसमें भी एनर्जी के सारे क्वेश्चन आते हैं बीच में, राइट। एनर्जी जो है बहुत सेंट्रल आइडिया है फिजिक्स के बीच में, और वो हर जगह जो है वो अप्लाई होता है, इट्स लाइक अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, एक थीम है आपके पूरे सिलेबस की जो हर जगह आपको नजर आएगी। एनीवेज, अब जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन सारे प्रोसेसेस की, जिसमें एक सबसे कॉमन एग्जांपल पिक्चर्स के थ्रू हम समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पहली पिक्चर देखो, ये वाली पिक्चर देखो, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर में क्या हो रहा है जरा और देखें। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है रोलर कोस्टर के अंदर, कैन वी डिस्कस कि क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, क्या एनर्जी ट्रांसफर नजर आ रहा है आपको, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन। रोलर कोस्टर ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो क्या ख्याल है कौन सी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर थी पहले जब रोलर कोस्टर ऊपर था, और वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हुई, जितनी आपने एनर्जीज पढ़ी थी उसमें से कुछ याद आ रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। यस, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स भी इन्वॉल्व है ना जो वर्क कर रही है, बाय मैकेनिकल वर्क हो रहा है, लेकिन वो कौन सी फोर्स इन्वॉल्व्ड है, जब कोई चीज नीचे आ रही है तो उसको कौन सी फोर्स उसको नीचे खींच के लेकर आई, ग्रेविटी। एग्जैक्टली, बाय मैकेनिकल वर्क
और ये वर्क क्या है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा हम डिटेल में कैलकुलेशंस के साथ पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़े वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन अदर वर्ड्स द वेट ऑफ द रोलर कोस्टर। और क्या एग्जांपल है, दूसरी बहुत कॉमन एग्जांपल, ये देखो बी के अंदर जो एग्जांपल है, अब इसको भी चेक करना, गिव मी वन सेकंड, लेट मी जस्ट ब्रिंग इन द पिक्चर। ऑल राइट, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, क्या ऑब्जेक्ट बना भाई? हीटर। हीटर, अब हीटर से आपके सारे रूम में हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बेस्ट तरीका है जिससे हीटर आपकी हीट ट्रांसफर करता है वो है रेडिएशन। रेडिएशन के फॉर्म में हीटर से हीट निकल रही है, लेकिन बाकी के पूरे रूम में कैसे स्प्रेड हो रही है एनर्जी, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। अब इस पर पूरा चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा कन्वेक्शन को हमने पूरा अलग से समझना है, अलग से पूरे पासवर्ड क्वेश्चन भी करने, बट राइट नाउ वी कैन से यहाँ पे थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राइट? थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीटर टू द रूम बाय रेडिएशन, इंफ्रारेड वेव्स इसमें से निकल रही होती है जो रेडिएशन के थ्रू हीट बाहर आ रही है, and then it spreads around the room by convection। लेकिन अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कन्वेक्शन को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, और हमारे पास क्या प्रोसेसेस है, लेट्स टेक अ लुक एट सी। अब जब तक मैं इस पिक्चर को कॉपी कर रहा हूँ, गेस करोगे ये क्या एनर्जी ट्रांसफर है? जी, व्हाट इज दिस एनर्जी ट्रांसफर, एनी आइडियाज? तब तक मैं नेक्स्ट पिक्चर भी एक साथ ही ले आता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी, पूरा उसका नाम क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट दोबारा से मैं देखता हूं आपको पिक्चर सही नजर भी आ रही है या नहीं, लेट मी जस्ट ओपन इट अप एंड देन डिस्कस। ओके, ऊपर वाली जो पिक्चर है जिस पे हमने बो एंड एरो पकड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं ना, राइट? यस। अब इसमें जरा जितने भी एनर्जी ट्रांसफर्स के बारे में आप सोच सकती हो, फ्रॉम द ह्यूमन टू द बो टू द एरो, सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बंदे के मसल्स में कौन सी फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है? केमिकल। एग्जैक्टली, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन मैन्स मसल्स। इस ट्रांसफर टू फर्स्ट व्हाट, पहले किसको ट्रांसफर होगी एनर्जी, बो को या एरो का? एरो। पहले तो बो को ट्रांसफर होगी ना, बो को स्ट्रेच नहीं करेगा वो पीछे पहले? ओ हाँ, बो को। तो जब बो स्ट्रेच होता है, एज द बो स्ट्रेचेस, बाय द वे बंदा जो है वो उसको एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्किंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, या वेव्स हो रही है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? How does she pull, like how is she able to stretch the bow? Pull, force laga rahi na uspe wo, pull kar rahi hai na?
So in the last picture, what we are looking at is a pipe that is going down a slope, right? So pipe ke andar pani jab upar hai at a height, to hum keh sakte hain ki uske andar energy kis form mein stored hai? GPE ki form mein stored hai, right? So hum keh sakte hain as water travels down the pipe along the slope, its GPE, gravitational potential energy, is transferred to kinetic energy of water. Then the water hits the turbine and exerts a force on it. So water goes and hits turbines. Turbines has blades and the turbine starts to rotate. So turbine ko kis form mein energy mil gayi? Kinetic energy ki form mein energy. Then the water hits the turbine and exerts a force on it. So dobara se mechanical work ho raha hai and it gains kinetic energy. All right, this is the end of the class. Humne aaj kya kya padh liya? Humne padh liya hai ki energy stores kin form mein hoti hai, और फिर जिन फॉर्म में एनर्जी स्टोर्स होती है उसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू दीस फोर कैटेगरीज. और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ज्यादा फोकस हमारा पहली कैटेगरी पे होगा इस चैप्टर में. ऑलराइट, लव दिस.